आज मैं बनाऊंगी चिकन नूडल्स। नूडल्स उबालने के लिए मैंने डेगचे में पानी रख दी हूँ। इसे उबाल आने तक हम चिकन में मसाला लगा लेंगे। बाउल में मैंने चिकन ली हूँ, इसमें मैं ये मसाले डालूंगी। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक और आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर चिकन में ये डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। मसाला मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी नूडल्स। ये दो पैकेट मैंने ली हूँ। तो ये देखिए नूडल्स पक चुके हैं, अब मैं इसे छान लूंगी। नूडल्स को मैंने छान ली थी और उसमें ठंडा पानी भी मैंने डालकर छान ली हूँ और ऊपर मैंने हाथ तेल एक स्पून डालकर पूरे नूडल्स को मिला लिए। ये देखिए कैसे हमारे नूडल्स छुट्टे छुट्टे हो गए हैं। ऐसा करने से नूडल्स जो है चिपकते नहीं है, एकदम खिले खिले छुट्टे छुट्टे बनते हैं। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। अभी मैं इसमें एक अंडा फेंट कर ली हूँ, वो डाल दूंगी। अब अंडे को मैं ऐसे तोड़ दूंगी। अंडा हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अभी मैं वही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूंगी। और उसमें मैं ये चिकन डाल दूंगी, मसाला लगाकर जो रखी थी। चिकन को अच्छे से हमें पकाना है। अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूंगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के रखी हूँ, गर्म हो चुका है। अब उसमें डालूंगी एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, मैं डालूंगी कटे हुए प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर और गोभी। इसे मिक्स कर लूंगी। इसे थोड़ा पका लूंगी मैं। अभी मैं स्वाद के हिसाब से नमक डालूंगी। अभी मैं इसमें एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस डालूंगी। एक चम्मच ग्रीन सॉस डालूंगी, ग्रीन चिल्ली सॉस डालूंगी। एक चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर डालूंगी। अभी इसमें मैं डालूंगी चिकन। और तला हुआ अंडा भी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी नूडल्स।
अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि पूरे नूडल्स को मसाला लग जाए। नूडल्स से तैयार हो चुका है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह चिकन नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना चिकन नूडल्स कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।